Hello student, I am Professor Jasmine Faraz. Again welcome you on my channel. Already you know we have finished all unsolved textbook problem of net profit concern. So now we'll see solved one textbook problem of non-profit concern. That is problem number 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 and 15. Then rest is 16, 17, 18, 19 are just similar to unsolved textbook problem. अगर आपने unsolved textbook problem अच्छे से सब किए हैं from first to 15, तो आपको समझ में आएगा कि ये भी almost similar है. Okay? So मैं सिर्फ यहाँ पर आपको explanation दूंगी कि कहाँ कहाँ पे आपको क्या करना है. So let's start. This is first ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी. यहाँ पे उन्होंने सिर्फ हमें क्या कहा है कि ट्रीटमेंट दे दो स्टेशनरी की. सो सी हियर, दे हैव गिवन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. एज यू नो वी हैव टू ओपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज वेल एज द बैलेंस शीट. बट हियर से दे सेड ओनली गिव द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी. सो बैलेंस शीट इज 31st March 2019. सो दिस इज वी कैन कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस शीट. देन they have given receipt and payment 31st March 2018. That means our accounting year is 17-18. Okay, here they have given payment side by stationery purchase. मैंने हमेशा आपको कहा है जब भी payment side में कोई purchase होगा, चाहे वो fixed asset purchase हो या stationery stock of drug purchase हो, we have to consider that this is a new purchase. So हमने new purchase किया 7000. ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, पुरानी स्टेशनरी 800 थी. देन इन एडजस्टमेंट दे हैव गिवन 1500 इज आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल. ये हमें पे करना है, 1500 बिल बाकी है जो हमें पे करना है. एंड सेकेंड दे हैव गिवन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31st March 2018. दैट मीन्स क्लोजिंग, सी ये 31st March 2018. सो ये क्लोजिंग है 1300. सो दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक. So see here, now we have sufficient information. We have opening balance. So opening plus purchase plus outstanding bill minus closing. अगर आपको याद रहेगा तो problem number 6 में ये stock of drugs भी दिया है. तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा. अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी दिया था आपको. That is apple, फ्रिज में एप्पल है, फिर पापा ने और लेकर आए, फिर हमने कितने कंज्यूम किए, सो वो फाइंड आउट करना है. सो दिस इज द वर्किंग नोट. सी हियर, यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं, यहाँ पे एक्चुअली एक्सपेंडिचर, बट यहाँ पे उन्होंने हमें वर्किंग नोट कहा है इसलिए उन्होंने शायद ये पर्टिकुलर अमाउंट दिया है. लेकिन अगर उन्होंने हमको ये इनकम एंड इसमें दिया होता एक्सपेंडिचर, तो ये हमारी एक्सपेंडिचर साइड होती और ये हमारी इनकम साइड होती. ओके, सो हमने डेबिट साइड में लिखा होता दिस साइड टू एंड बाय. जैसे मैंने कहा है कि बाय बाय का टू टू होता है, सो दिस इज क्रेडिट साइड दे हैव गिवन. सो वी आर सपोज टू राइट डेबिट साइड टू परचेस. सो सी हियर, देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है ओपनिंग, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस न्यू परचेस प्लस आउटस्टैंडिंग बिल, ये भी तो पे करना है. तो टोटल हमारा जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है वो 9300 हो गया है. माइनस क्लोजिंग, उसमें से हमने अनयूज नहीं किया, यूज मतलब, तो 1300. तो फाइनली उस साल हमने स्टेशनरी पे कितना एक्सपेंसेस किया, 8000. सो दिस इज एक्चुअल एक्सपेंसेस और ये आउटर कॉलम में आना चाहिए. तो ये सब हमने यहाँ पे लिखा होता इनर कॉलम में और फाइनली हमारी अमाउंट आउटर कॉलम में आती 8000. और ये जो भी वर्किंग नोट दिया है वो हमने यहाँ पे लिखा होता. ओके, एंड टू ये ऐसे किया होता. सो दिस इज वेरी सिंपल एडजस्टमेंट. ये ऐसी एडजस्टमेंट अगर होगी, सो 1, 2, 3, 4, 5 इज गिवन. सो 2 marks ऐसे एडजस्टमेंट में हमें मिलते हैं. बट डोंट वरी, पूरा क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही नहीं आएगा, ये एक पार्ट है उसमें से. ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज ऑल सॉल्व्ड वन, ये सॉल्व करके दिए हैं, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. नाउ फॉर कंसिडरिंग एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन. अब यहाँ पे उन्होंने सिर्फ सब्सक्रिप्शन पे हाईलाइट किया, जैसे पहले इस पे दिया था स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अब यहाँ पे सिर्फ उन्होंने फोकस किया सब्सक्रिप्शन. सो सी दिस इज अ क्वेश्चन, रिसीट एंड पेमेंट 31st March 2018. तो बताओ मुझे हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या होगा, 17-18. ओके, सो नाउ दिस इज अ डेबिट साइड एंड दिस इज अ
क्रेडिट साइड, दे हैव गिवन डेबिट साइड, मतलब जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर करोगे तो ये टू टू का क्या होगा, बाय। सो सी योर क्रेडिट साइड सॉल्यूशन दिया है उन्होंने ऑलरेडी। सो 16 17 17 18 18 19, तो हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है, 17 18। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो बहुत आपको अच्छे से समझेगी। सो देखो, जब भी ऐसे तीन साल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 16 17 मतलब ये लास्ट ईयर है, 17 18 ये हमारा करंट ईयर है। मींस करंट ईयर कैसे समझा, तो ऑफ कोर्स दे हैव गिवन योर रिसीट एंड पेमेंट 31 मार्च 18, तो एज्यूम दैट आर करंट ईयर इज 17 18। सो दिस इज अ करंट ईयर 17 18 एंड 18 19 इज अ एडवांस ईयर। ओके, सो वी हैव अ 3 इयर्स। अब ये तीनों साल का सब्सक्रिप्शन हमें एक ही साल मिला है, ये करंट ईयर में, ये एक्चुअली लास्ट ईयर मिलना चाहिए था बट ये साल मिला, ये तो यही साल का है और ये एडवांस है जो ऑलरेडी कुछ मेंबर्स ने अभी से पे किया है। सो ये तीनों जो 85,000 है यही साल हमने रिसीव्ड किया है। ओके, बट एज यू नो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें सेफ करंट ईयर का ही लिखना है। सो वॉट वी हैव टू राइट, सो एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, यहाँ पे आप एन आई एन एल लिख लीजिए। देखो ये ट्रिक कब काम आएगी, जब तीन साल का ऐसे देंगे, लास्ट ईयर दैट मीन्स प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड एडवांस ईयर, या यू कैन राइट ईयर नेक्स्ट ईयर, ठीक है, या आप नेक्स्ट ईयर भी लिख सकते हो। सो एन आई एल, अब एन का मतलब है नो इफेक्ट, तो लास्ट ईयर का इफेक्ट हमें कहीं पे भी नहीं करना है। आई मतलब इनकम, तो करंट ईयर का ऑफकोर्स हम इनकम साइड में बताएंगे। सो देखो यहाँ पे उन्होंने इनकम साइड बताया है। एंड एल मतलब लायबिलिटी, ये एडवांस है, हमने ऑलरेडी रिसीव्ड किया है। सो एडवांस रिसीव्ड हमेशा हम कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी। देखो एडवांस इनकम याद करो, सो वी राइट वी वेयर लायबिलिटी साइड। सो एन आई एल, देखो ये आप याद रखो, कभी भी आपका रॉन्ग नहीं आएगा। एन मतलब नो इफेक्ट, तो ये कुछ भी कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। देखो 1500 कहीं लिखा है के सॉल्यूशन में, नो। देन इनकम, आई मींस इनकम, सो विल राइट 80,000 बिकॉज दिस इज अ करंट ईयर। एंड लायबिलिटी एल मींस 3500, दैट विल गो एल लायबिलिटी साइड। देन नाउ विल मूव टू द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट। So see here, subscription outstanding for current year. अब आपको पता है current year का subscription, of course we add it. So add किया है, देखो उन्होंने current year का subscription. So add it. And second effect, we are going to receive in the future. So asset side. So देखो यहाँ पे current year भी लिखा है उन्होंने यहाँ पे, ठीक है, 17-18. This is our current year, 17-18. Okay. Now next. Outstanding subscription for 1670 was 2000. अब ध्यान देना है। Actually 1617 का outstanding कितना था, 2000. देखो कितना था, 2000. But इसमें से 1500 तो ये साल हमने received किया है, तो अभी भी कितना आना बाकी है, 500. So अभी भी आना बाकी है, तो we have to write here. Last year has only one effect. तो देखो ये last year का हमने effect यहाँ पे कर दिया. Okay? Total एक्चुअली 2000 रिसीव होना चाहिए था, लास्ट ईयर ही बाकी था, लेकिन उसमें से ये साल सिर्फ 1500 रिसीव हुआ। ये अमाउंट कहाँ से मिली मुझे, यहाँ से, बिकॉज़ दे हैव गिवन रिसीव्ड साइड। देखो रिसीट साइड दे हैव गिवन कि हमने 1500 रिसीव्ड किया है, बट स्टिल 500 इज टू बी रिसीव्ड। सो ये 500 अभी भी आना बाकी है, सो एसेट में लिखना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर 8000। नाउ सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव्ड किया था लास्ट ईयर, लेकिन वो एडवांस था, तो हमें ये साल करंट ईयर का एडवांस हम क्या करते। देखो आपको मैंने, अगर आपने देखा होगा मेरा वीडियोस अनसॉल्व के, तो मैंने उसमें एक टेबल दिया था, लास्ट ईयर क्या करना है, करंट ईयर क्या करना है। तो हम हमेशा प्रिपेड, अगर प्रिपेड इनकम होगा तो हम क्या करते हैं, करंट ईयर को, करंट ईयर में क्या करते हैं, हम प्रिपेड एक्सपेंसेस या इनकम लेस करते हैं। तो लास्ट ईयर का हमें क्या करना है, ऑपोजिट करना है, ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने ऐड किया है, इसके लिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि प्लीज वॉच माई प्रीवियस वीडियो। पहले सब मैंने जो प्रॉब्लम नंबर 6 टू लेके प्रॉब्लम नंबर 14 तक मैंने एनपीओ के क्वेश्चन सब सॉल्व किए हैं, ठीक है, अनसॉल्व जो क्वेश्चन दिए है उन्होंने, तो उसमें मैंने ये ट्रिक बताई है। उसमें खास मैंने एक टेबल आपको बताया है कि लास्ट ईयर रहेगा, करंट ईयर रहेगा, आउटस्टैंडिंग इनकम रहेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहेगा, एडवांस इनकम रहेगा, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस रहेगा, तो क्या करना है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे यूज करना है। ओके,
सो आई होप आपको ये समझ में आया है 8000 का हमने क्या किया है एंड द फाइनल इज ओवर सी ईयर फाइनल वी हैव टू नाउ मेक अ टोटल ये 95000 आ गई एंड हियर अभी भी सब्सक्रिप्शन टोटल 7500 न्यू बैलेंस शीट में आना बाकी है दिस इज कॉल्ड न्यू बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट तो अभी भी नेक्स्ट ईयर हम ये रिसीव्ड करेंगे ओके 7500 सो वेरी सिंपल अगर आप थोड़ी सी ट्रिक करोगे तो आपको समझ में आएगा ये NIL की ट्रिक क्या करता विल मूव टू द नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अब यहाँ पे सिर्फ उन्होंने फोकस किया है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन पेज नंबर 77 वेरी सिंपल कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन 1st April 2018 फर्नीचर अकाउंट शो 1 लाख दैट मींस फर्नीचर 1 लाख शो मतलब क्या ये ओपनिंग बैलेंस है सो सी ओपनिंग बैलेंस इन्होंने यहाँ पे बताया है बिकॉज अप्रैल 2018 और यहाँ पे उन्होंने दिया है 31st March 2019 दैट मींस आवर अकाउंटिंग ईयर क्या होगा हमारा अप्रैल 18 टू मार्च 19 सो सी यही है सो दिस इज कॉल्ड ओपनिंग नेक्स्ट ऑन 1st July 2018 एडिशनल फर्नीचर परचेज 30,000 तो हमने और एडिशनल फर्नीचर परचेज किया है 30,000 सो यहाँ पे डेट पे ध्यान दो बिकॉज यहाँ पे डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेशन करना होगा तो हमें कितने मंथ्स का लेना होगा 9 मंथ्स का वी हैव टू टेक 9 मंथ्स कैसे आया कैलकुलेट करो जुलाई से मार्च तक देखो ये बीच में उन्होंने जुलाई में लिया है बट अकाउंटिंग ईयर तो हमारा मार्च में फिनिश होता है तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फरवरी मार्च तो कंप्लीट इट कम्स 9 मंथ्स तो ये फर्नीचर हमने कितने मंथ्स यूज किया 9 मंथ्स सो विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 9 मंथ फर्नीचर 12% दिया है सो सी एवरीथिंग इज गिवन 12% तो चलो पहले 1 लाख ये ओल्ड है सो ओल्ड पे पूरा 1 लाख पे पूरा 12 मंथ्स 1 ईयर का इट कम्स 30,000 का हमें कितने मंथ्स के लिए लेना है 9 मंथ्स के लिए 12% इट कम्स 2,700 सो टोटल डेप्रिसिएशन वी हैव टू माइनस हियर सो फाइनल विल गेट फिगर हियर एंड सेकेंड इफेक्ट 14,700 वेरी इजी नाउ मूव टू द फोर्थ वन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर अब यहाँ पे देखो उन्होंने कितना सारा दिया है आउटस्टैंडिंग भी है करंट ईयर का देन प्रिपेयर्ड भी है ओके सो डोंट वरी हम फिर एक बार ट्राई करते हैं सो दिस इज असेट सो दिस इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस शीट सो सी हियर ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड सैलरी ये दिया है उन्होंने प्रिपेयर्ड सैलरी मतलब लास्ट ईयर प्रिपेयर्ड किया था हमने ऑलरेडी पेड किया था ओके पेमेंट साइड दिया है हमने सैलरी देखो पेमेंट की है करंट ईयर हमारा क्या होगा 18-19 तो ये 30,000 यहाँ पे उन्होंने लिखा है करंट ईयर का 30,000 1920 ऑलरेडी हमने पेड किया है सो दिस इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस देखो यहाँ पे पेमेंट साइड दिया है और ये नेक्स्ट ईयर है नेक्स्ट ईयर मतलब एडवांस तो हमको प्रीपेड कहेंगे या इसको क्या कहेंगे एडवांस सैलरी पेड तो हमने ऑलरेडी पेड की है नो टेंशन सो जब हम पेड करते हैं तो वो हम कहां लिखते हैं असेट साइड में तो देखो इन्होंने असेट साइड में लिखा है ठीक है सो दिस इज आल्सो डन ये हमने पेमेंट साइड में लिखा है करंट ईयर है एंड ये 1000 हमने असेट साइड में लिखा है ओके नाउ व्हाट लेफ्ट 2000 ये हमने लास्ट ईयर पेड किया था तो लास्ट ईयर का पेड हम क्या करते थोड़ा सोचो करंट ईयर का प्रीपेड रहेगा करंट ईयर में कोई भी प्रीपेड रहेगा तो हम माइनस करते हैं तो लास्ट ईयर का हमें क्या करना है प्लस करना है तो सी यहाँ पे उन्होंने प्लस किया है ओके सो इसका भी हमने इफेक्ट दे चुके हैं लास्ट ईयर हैज अ वन इफेक्ट अब एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर ऑफ कोर्स करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग तो हमें ऐड ही करनी होती है सो ऐड करो सो दिस ऑल बिकम 37,500 एंड करंट ईयर वी नीड टू पे इन फ्यूचर सो टेंशन है इट्स अ पेएबल सो विल राइट लायबिलिटीज Now we'll move to the next. Now they have given prepare income and expenditure only. तो यहाँ पे सिर्फ हमें income and expenditure बनाने के लिए कहा है. So see here, debit and credit. तो मैंने आपको कहा है कि trick use करो. 2-2 का क्या होगा? Bye bye होगा and bye bye का 2-2 होगा. That means simple. यहाँ पे जो debit दिया है, वो यहाँ पे हमें credit लिखना है. और जो यहाँ पे credit दिया है, वो हमें debit लिखना है. So let's start.
ओपनिंग बैलेंस, वी नेवर टेक ओपनिंग बैलेंस, आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता चला होगा. नेक्स्ट टू सब्सक्रिप्शन, सो इट विल बिकम बाय सब्सक्रिप्शन, बट नाउ दे हैव गिवन 3 ईयर सब्सक्रिप्शन. तो अभी मैंने प्रॉब्लम नंबर सेकेंड में शायद आपको बताया है एक ट्रिक कि अगर इसे 3 साल का दिया होगा तो क्या करना है. तो सबसे पहले मुझे बताइए हमारा करंट ईयर क्या होगा. ऑफकोर्स करंट ईयर हमारा होगा अप्रैल 19 टू मार्च 20. तो 1920, सो 1920, सो दिस इज आवर करंट ईयर. तो हमें क्या लिखना है, ये करंट ईयर है तो ये लास्ट ईयर है एंड ये नेक्स्ट ईयर है. तो मैंने क्या कहा था आपको, एन आई एल, एन मतलब क्या, नो इफेक्ट. तो देखो यहाँ पे हम 15,000 कहीं पे भी नहीं बताए गए, देखो यहाँ पे कहीं पे भी 15,000 नहीं है सब्सक्रिप्शन में. आई मतलब क्या, इनकम, सो देखो यहाँ पे हम इनकम में लिखेंगे. एल मतलब क्या, लायबिलिटी, सो हम यहाँ पे लायबिलिटी लिखेंगे. लेकिन यहाँ पे सिर्फ उन्होंने हमें क्या कहा है, प्रीपेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर. लेकिन अगर हम बैलेंस शीट ड्रॉ करते तो बैलेंस शीट में हमने क्या किया होता, यहाँ पे लिखा होता, क्या लिखा होता, एडवांस सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे हमने ये 8,000 अमाउंट लिखी होती. ओके, नेक्स्ट टू डोनेशन, ये जनरल दिया है, दैट मीन नो स्पेसिफिक डोनेशन, सो डायरेक्टली विल राइट बाय डोनेशन. देन टू एंट्रेंस फी, विल राइट बाय एंट्रेंस फी. टू इंटरेस्ट ऑन एफडी, सो बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी. देखो जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है वो डायरेक्टली आउटर कॉलम में ही लिखा है उन्होंने. टू पिकनिक रिसीट, सो विल राइट हियर बाय पिकनिक रिसीट. ओके, अब यहाँ पे एक नोट भी दी है उन्होंने पिकनिक रिसीट की कि आप पिकनिक एक्सपेंसेस में डिडक्ट फ्रॉम द पिकनिक रिसीट. तो अब यहाँ पे पिकनिक रिसीट में से ही पिकनिक एक्सपेंसेस माइनस करते जो हमने यहाँ पे लिखा है. ठीक है, अदरवाइज सिंपल है, जो टू है वो बाय बाय मतलब जो डेबिट है वो क्रेडिट करो, और जो क्रेडिट दिया है यहाँ पे पिकनिक एक्सपेंसेस वो डेबिट करो, सिंपल. ओके, नाउ विल मूव टू द पेमेंट साइड. बाय रेंट, अब ये रेंट भी दिया है लेकिन ये भी 2 साल का दिया है. तो करंट ईयर अभी मैंने बताया आपका क्या है, 1920. तो करंट ईयर का तो हम करंट ईयर में ही लिखेंगे 54,300. ओके, नाउ व्हाट अबाउट लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का हम क्या करेंगे, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि लास्ट ईयर का हम रेंट जो पेड कर चुके हैं अब ये साल वो कहाँ पे लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट वन एफडी, ये ऑफ कोर्स असेट में जाएगा. सो अगर हम बैलेंस शीट ओपन करते तो हमने बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखा होता एफडी, सो 47,000. नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस. बाय इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस. बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. बाय पिकनिक एक्सपेंसेस, टू पिकनिक एक्सपेंसेस. सैलरी, टू सैलरी. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रू ट्रैवलिंग. सो सी हियर, जो पेमेंट क्रेडिट किया है वो हम ये सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं. वेरी सिंपल. एडवर्टीजमेंट, सो 7,000 है. अब ये कौन से ईयर का है, लास्ट ईयर का है. नेक्स्ट वन, तो हमें ये करंट ईयर में नहीं लिखना है बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओनली राइट करंट ईयर एक्सपेंडिचर. ओके, इसलिए जो आउटस्टैंडिंग रहेगा, प्रिपेड रहेगा, उसको हम ऐड या माइनस करते हैं और फाइनली वही साल का हम इनकम या एक्सपेंडिचर लिखते हैं. ओके, एंड बैलेंस कैरीड डाउन, अब ये कहाँ लिखते हैं, अगर हम लोग बैलेंस शीट ओपन करते तो हमने बैलेंस शीट में यहाँ पे कैश एंड बैंक का बैलेंस यहाँ पे लिखा होता. ओके, सो दिस इज डन. नाउ एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का रेंट है आउटस्टैंडिंग, तो ऑफकोर्स हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. सो यहाँ पे ऐड किया है. नेक्स्ट सेकेंड इफेक्ट हम कहाँ लिखते हैं, अगर ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, पे करना है तो ऑफकोर्स लायबिलिटी में हम लिखते आउटस्टैंडिंग रेंट. ओके, नेक्स्ट 60% कैपिटलाइज. सो सी हियर, 15,000 का 60% इट कम्स 9,000 जो हमने यहाँ पे माइनस किया है, और कैपिटल फंड में हमने क्या किया होता, ऐड किया होता. नेक्स्ट वन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर. आउटस्टैंडिंग कोई भी हो, एक्सपेंसेस हो या इनकम हो, वी नीड टू ऐड. सो देखो यहाँ पे ऐड किया है, सो 1,20,000. और हमने अगर इसका सेकेंड इफेक्ट दिया होता तो क्या किया होता, इट्स गोइंग टू बी रिसीव फ्यूचर. सो हमने यहाँ पे लिखा होता आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर 20,000. देखो ये बैलेंस शीट उन्होंने नहीं बोली है हमें बनाने के लिए, लेकिन सिर्फ सेकेंड इफेक्ट के लिए मैं आपको बता रही हूँ रफ में. ओके,
फाइनली प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस करंट ईयर जब कुछ नहीं देते तो एज्यूम दैट दिस इज फॉर करंट ईयर. एक याद रखना है वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ईयर इज नॉट गिवन तो मींस कैसे डिसाइड करें. बट हियर दे हैव नॉट मेंशन एनी ईयर, दैट मींस एज्यूम दैट दिस इज अ करंट ईयर. एंड प्रिपेयर्ड कोई भी हो हम क्या करते हैं, ऑफ कोर्स लेस करते हैं. ये तो हमने 11th में भी सीखा है. सो लेस सो इट्स बिकम 11,000. और अगर इसका सेकेंड इफेक्ट होता तो हम ये कहां लिखते, ऑलरेडी हमने इंश्योरेंस पेड किया है प्रीपेड नो टेंशन, तो हमने यहाँ पे लिखा होता प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000. ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया है. सो विल स्टॉप हियर. नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड अबाउट 6, 7, 8 जो भी प्रॉब्लम्स रह गए सॉल्व बन के वो वाले. सो थैंक यू सो मच. फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.